My name is Alok Misra. My name is Nandini Tiwari. My name is Simran Patel. So my name is Kanishka Pandey. मैं आदित्य पांडे. My name is Ashutosh Chokse. My name is Ayush Kumar Pandey. Good afternoon, sir. My name is Ridhima Rajput. My name is Anjuta Lokande. My name is Anamika Kushwaha. My name is Neelam Lodi. My name is Saurabh Haldar. My name is Pramin Vishwakarma. My name is Arvind Pandey. My name is Prince Yadav. My name is Sakshi Vinodia. I am from 6M, Sri Rawatpura Sarkar Institute, Jabalpur. I am third year student of Sri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, Jabalpur. B.Pharm 8th semester. 8th semester ka chhatra hu B.Pharm ka. I am from 8th semester. Student of B.Pharmacy 8th sem. B.Pharmacy 6th semester. I am studying in Sri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy. Sir, I am 8th sem B.Pharmacy ka student. B.Pharma 3rd year from RGPV University of Bhopal. और मैं 8th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सर, इन तीन दिनों के सेशन में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। सर ने हमारा ना कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ा दिया है। मेरे को स्टेज में आने से डर लगता था, लेकिन ये इस तीन दिनों में मैंने स्टेज में आके अपना डर खोया कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना है और अपने डर को कैसे निकालना है। सर ने हमें बताया कि स्कोप्स क्या क्या है फार्मेसी में और हमें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किस स्कोप में जाना चाहिए। एडवर्टीजमेंट के बारे में कि उसे हम कैसे पहचाने। कोई भी इंटरव्यू कभी फेस नहीं किया, कभी भी किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो उस चीज को अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। सर को अगर ग्रेड देने की बात हो, पॉइंट देने की बात हो, तो सर का तो एक्सीलेंट से भी एक्सीलेंट रख सकते हैं। हर एक चीज के बारे में हमको बताया कि अपने आप को एनालाइज करिए, फिर आप कितने पानी में हो। हमें सबसे पहले देखना है कि किस चीज में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है, उसी चीज पे हमें काम करना है। तो यहाँ से पास आउट होने के बाद बस ये ना रह जाए हाँ पढ़ी थी फार्मेसी वाला। हमको ऐसी चीजें रखनी है कि हाँ अगर कल को कोई हमसे कुछ पूछे तो हम ये बोल सके कि हाँ हमने पढ़ा है। आपको अपने रेज्यूमे में फेक चीजें नहीं डालनी है कि आपका रेज्यूमे भी वो हो जाए और आप ब्लैकलिस्ट हो जाओ पूरी तरीके से। इंटरव्यू कैसे फेस करना है, इसका ड्रेसिंग सेंस क्या है, कैसे बोलना है, कैसा आई कॉन्टेक्ट रखना है, सर ये सब भी हमें सिखाई गई है। हमें रेज्यूम राइटिंग कैसे करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलपमेंट करनी है और इंटरव्यू कैसे फेस करना है। बहुत सारे स्कोप्स बताए फार्मेसी फील्ड में, अपने ऊपर काम करने के बारे में बताया। अपन मोटिवेट हो गए तो दो तीन दिन का आपकी मोटिवेशन के अंदर रह के, लेकिन वो फिर डिसिप्लिन छोड़ जाता है, लेकिन मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन जो जरूरी होता है उस चीज़ को अपन को बना के रखना है। अपना एम पता चल गया ताकि किस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट है, हम उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और कितना बेहतरीन कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस करने का पहले मौका मिला, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड होगा। सर ने अब हमें हमारा गोल बताया है कि हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं जो भी अभी तीन दिनों से अपना कैंपस टू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ हमारे कॉलेज में, उसके लिए मैं अपने कॉलेज के सीईओ सर, जीडी सर, प्रिंसिपल सर और आप तीनों सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छा था सेशन और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सर। तीन दिन का सेशन था, बहुत अच्छा लगा, ना बोरियर ना कुछ, बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सर।